TNGOs ने मौजूदा पेंशन के तरीक़ेकार को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। इस जीवन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को एक याददाश्त भी पेश की गई। यूनियन के सदर SM हुसैनी ने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन ने मौजूदा पेंशन स्कीम को हटाने की दरख्वास्त की है, ताहम इसी पर अमल आवारी जारी है। चुनाचे TNGOs ने साबिका पेंशन तरीक़ेकार को रुबे अमल लाने पर जोर दिया है। मुनाकिद की गई, जिसका आगाज हमारे स्टेट के सदर जनाब रविंदर जी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब राजेंद्र साहब के सदारत में रैली मुनाकिद की गई। इसका मकसद ये है कि 2004 सितंबर 1 से जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लाया गया, तो हमारा ये डिमांड है तमाम हिंदुस्तान में जितने भी आज सरकारी मुलाजिमीन हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और रियासती हुकूमत के आप तमाम लोग इसको निकालने के लिए पहले से भी हमारी कोशिश चल रही है। और रविंद्र रेड्डी साहब राजेंद्र साहब के सदारत में 10 बार दिल्ली को जाकर पार्लियामेंट में भी हम लोग हमारी आवाज़ ऊंची करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी दीगर चीज़ों में भी हम आगे जाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि यह कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो 2004 से निकाल दिया गया, ये पेंशन स्कीम को फिर से इसको बर्खास्त कर देंगे। पुराने पेंशन स्कीम में तमाम 1,18,000 जो सरकारी मुलाजिमी तेलंगाना रियासत के हैं, उनके लिए जनाब KCR साहब से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और हमारे जानिब से भी अदबन गुजारिश है कि गरीब सरकारी मुलाजिमीन के ऊपर देखकर वो पुराने सिस्टम को लाया जाए, नए सिस्टम को बर्खास्त करने की ख्वाहिश की जा रही है। और इसके अलावा भी आज हैदराबाद कलेक्टर से मिलकर रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और पहली के दिन बड़े पैमाने पर पूरे रियासत में काले कपड़े पहनकर हम लोग हमारी आवाज़ ऊँची करेंगे। और आने वाले हफ्ते में भी जनाब रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में करीब 10,000 सरकारी मुलाजमीन के साथ यही बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जाएगी। ये मीटिंग का मकसद ये है कि भाई ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को बर्खास्त करिए। जो जायदाद है तेलंगाना रियासत में हज़ारों आज खाली है, वो पूरे मुकम्मिल तरीके से भरना चाहिए। और जो सरकारी मुलाजमीन तेलंगाना के जो आंध्र प्रदेश के हुकूमत में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को बाइज्जत वापस लाना है। और हमारा इनकम टैक्स की भी जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक छूट देने की भी इसमें डिमांड की गई। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग टाइम स्केल एम्प्लॉइज़ को भी परमानेंट करने की भी बात की गई। आपके जानिब से आज रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में पूरे रियासत में खुशहाल माहौल है। सरकारी मुलाजिमीन इनके सदारत में हम तमाम लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनके सदारत में ये पूरे डिमांड्स हम लोग हासिल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।